पाकिस्तान और इंग्लैंड की क्रिकेट टीमों के दरमियान तीसरा और आखिरी टेस्ट मैच आज से शुरू होगा। दूसरा टेस्ट मैच बारिश की वजह से ड्रा होने के बाद भी पाकिस्तानी टीम में हैरान कन तब्दीलियां। इस आखिरी टेस्ट मैच में पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में कौन से खिलाड़ी होंगे इन, कौन से होंगे आउट। लेकिन इस आखिरी टेस्ट मैच में पाकिस्तान की बिल्कुल कन्फर्म प्लेइंग 11 क्या होगी, जिसकी मुकम्मल तफसील जानिए आप इस रिपोर्ट में। लेकिन तफसील में जल्द से पहले अगर आप चैनल पर नहीं हुए तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगी घंटी के बटन को लाजमी प्रेस कर दें, ताकि क्रिकेट से रिलेटेड तमाम तरह का रिकॉर्ड शेड्यूल आपको सबसे पहले जहां पर मिलती। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू सैन स्पोर्ट्स। आपको तफसील से आगाह करते चलेंगे पाकिस्तान और इंग्लैंड की क्रिकेट टीमों के दरमियान तीसरा आखिरी टेस्ट मैच थोड़ी देर में शुरू होने वाला है, और इस टेस्ट मैच के लिए फिर से पाकिस्तानी टीम में तब्दीलियों का इम्कान है। दूसरा टेस्ट मैच बारिश के बाद ड्रा हो गया था, जिसमें तकरीबन एक दिन का खेल हुआ, जिससे खिलाड़ियों की कारकर्दगी को काफी नुकसान पहुंचा। लेकिन दूसरा टेस्ट मैच बारिश के बाद ड्रा होने के बाद भी आज पाकिस्तानी टीम में दो तब्दीलियां होंगी, और इन तब्दीलियों के बाद पाकिस्तान की प्लेइंग 11 की बात करें तो पाकिस्तान की ओपनिंग करेंगे आबिद अली और उसके साथ आएंगे लेफ्ट हैंड बैट्समैन शान मसूद, जबकि नंबर 3 पे नाम आते हैं पाकिस्तान की टेस्ट टीम की क्यादत करने वाले अजहर अली, जबकि नंबर 4 पे नाम आते हैं पाकिस्तान के बेहतरीन बैट्समैन और टेस्ट टीम के वाइस कैप्टन बाबर आजम। नंबर 5 की बात करें तो नंबर 5 पे नाम आता है फवाद आलम का। अगर नंबर 6 की बात करें, दूसरे टेस्ट मैच में बेहतरीन बैटिंग करने वाले और पाकिस्तान के यंग विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान। अगर नंबर 7 की बात करें तो नंबर 7 पे नाम आते हैं फहीम अशरफ का। फहीम अशरफ को इस मैच में मौका दिया जाएगा, और इस मैच में असद शफी को ड्रॉप करके फहीम अशरफ को मौका दिया जाएगा। अगर नंबर 8 की बात करें तो नंबर 8 पे नाम आते हैं पाकिस्तान के बेहतरीन लेग स्पिन बॉलर यासिर शाह, जबकि नंबर 9 पे नाम आते हैं पाकिस्तान के एक बेहतरीन जबरदस्त बॉलर मोहम्मद अब्बास। अगर नंबर 10 की बात करें तो नंबर 10 पे नाम आते हैं सुहेल खान का, जिसको नसीम शाह की जगह पाकिस्तानी टीम का हिस्सा बनाया जाएगा, और नसीम शाह को इस आखिरी टेस्ट में रेस्ट दिए जाने का इम्कान है। अगर नंबर 11वें खिलाड़ी की बात करें तो 11वें नंबर पे जो नाम आता है वो नाम आता है शाहीन शाह आफरीदी का, जो कि पाकिस्तान के आखिरी टेस्ट मैच में पाकिस्तान की प्लेइंग 11 का हिस्सा होंगे। ज़ाय के मुताबिक ये होंगे पाकिस्तान के आज के इस आखिरी टेस्ट मैच के लिए 11 खिलाड़ी, जो हरीफ टीम के साथ पंजा आजमाई करेंगे। तो दोस्तों, आपको ये प्लेइंग 11 कैसी लगी आपने अपनी कीमत नीचे कमेंट में जरूर बताने। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक ले जा दीजिए। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।